वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर मैं एक नए वीडियो के साथ फॉर क्लास 9 आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि है लेटेंट हीट। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों को लेटेंट हीट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। इस वीडियोस को देखने के बाद अब आपके पास लेटेंट हीट को से रिलेटेड एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, स्पेशली फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट, कि वो ना सॉल्व कर पाए। मगर हम लेटेंट हीट शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स को कुछ पॉइंट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज एटमोस्फेरिक प्रेशर। द नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर और तीसरा द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंटरकन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर और लास्ट जो टॉपिक है उसके बाद हमें समझ में आएगा लेटेंट हीट। तो वैसे बच्चे जिनको ये तीनों चीजें नहीं मालूम है, 1, 2 और 3, वो लेटेंट हीट के बारे में थोड़ा मुश्किल से समझ सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप पहले ये तीन चीजों के बारे में समझें। इसके लिए हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो, आप अपने दिमाग में ये रखो कि ये तीनों पॉइंट्स पहले आप नोट कर लें, अच्छे से समझ लें और उसके बाद लेटेंट हीट के बारे में जानने की कोशिश करें। तो इसके लिए आप पेन और कॉपी निकाल के बैठ जाइए और हम लोग शुरू करने वाले हैं लेटेंट हीट। सबसे पहले अपने आसपास के डिस्टरबेंस को बंद कर दीजिए ताकि आपको ये समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स ना हो। सबसे पहले हम समझेंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर। मैं यहां डेफिनेशन दे रहा हूं और आपको किस एक्सटेंट तक समझना है, बस इसके बारे में आप लोगों को जानना है। एटमोस्फेरिक प्रेशर का नॉर्मली सा मतलब होता है एटमोस्फेयर का प्रेशर, यानी एयर। हम जिस धरती के ऊपर रहते हैं उस धरती के ऊपर एयर का एक एनवलप है और वो एयर कुछ ना कुछ धरती के ऑब्जेक्ट्स पर कुछ प्रेशर क्रिएट करता है। सो आई कैन से द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर। जनरली इसका यूनिट जो होता है वो हम एटीएम में काउंट करते हैं, मगर एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर ये हमेशा पास्कल होता है, पास्कल। ओके, तो 1 एटीएम का जो वैल्यू है वो 1.0135 × 10⁵ पास्कल होता है। ओके, बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि एटमोस्फेरिक प्रेशर को हम कैसे समझें, हाइट बढ़ने पे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज दैट ये मेरा अर्थ लेवल है, यहां पर मैं हमारा अर्थ है और अर्थ के ऊपर में एटमोस्फेयर है, ये एटमोस्फेयर है। ये कुछ उसी तरह काम करेगा जैसे अगर मान लो मैंने एक टेबल के ऊपर में 2-4 ब्रिक्स रख दिए, ईटा रख दिया, मान लो A, B, C, D एंड सो ऑन। अब आप जरा खुद सोचिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं इस केसेस में कि A, B, C, D में सबसे ज्यादा दबाव या सबसे ज्यादा प्रेशर किनको लगेगा, कमेंट करके बताइए किनको लगेगा। A, B, C, D ये आपका अर्थ लेवल है या टेबल है, ये अर्थ लेवल हम बोल सकते हैं। और इस जगह पर अगर मैं आपसे पूछूं कि A, B, C, D इनमें से सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे लगेगा, तो जाहिर बात है मुझे लग रहा है सबका आंसर एक ही है, दैट इज ए, क्योंकि ए सबसे नीचे है, जो नीचे में है उस पर ज्यादा प्रेशर लगेगा। और अगर मैं पूछूं सबसे कम प्रेशर, लो प्रेशर कहां पर होगा, यानी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं डी पर लो प्रेशर लगेगा और सबसे हाई प्रेशर ए पे लगेगा, हाई प्रेशर।
बस बच्चों यही काम होता है अर्थ के ऊपर। मान लो अर्थ के ऊपर कोई है और कोई धरती से ऊपर एरोप्लेन में है या फिर कोई माउंटेन पे है, उस जगह पे कोई पर्सन है। मान लो मैंने बोला ए यहां है और डी यहां है। अब आपसे पूछा जाए ए और डी क्या है, दीज आर द बॉडीज, एनी बॉडी एनी सब्सटेंस। तो अगर मैं पूछूं कि ए और डी में सबसे ज्यादा प्रेशर कहां फील होगा, एटमोस्फेयर का, क्योंकि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमोस्फेयर, हवा का प्रेशर सबसे ज्यादा किस पे लगेगा, ए पर। ओके, एंड एज द हाइट इंक्रीजेस, अब जैसे जैसे हाइट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, अर्थ से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज। तो यहां पर हम एक पॉइंट के बारे में खासतौर से ध्यान दे सकते हैं, वो ये कि एज द हाइट इंक्रीजेस अबव द अर्थ द एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नॉर्मल है कि आप एटमोस्फेरिक प्रेशर को इस लेवल पे समझ सकें। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एटमोस्फेरिक प्रेशर समझ में आ गया। अब जब एटमोस्फेरिक प्रेशर आपको समझ में आ गया, तो हम दूसरा टॉपिक यूज कर रहे हैं, दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि आपके सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, चलिए अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर को समझने के लिए आप लोगों ने पिछले वीडियोस में यह देखा होगा कि मैंने 3 मैजिकल बॉक्स बनाए थे। आपको मालूम है 3 मैजिकल बॉक्स, और इसमें आपको यह बताया गया था कि अगर मैं इसको बोलता हूं दिस वन इज सॉलिड, दिस वन इज लिक्विड, दिस वन इज गैस। अच्छा बच्चों, जब भी सॉलिड लिक्विड गैस आए, स्पेशली फॉर द क्लास 9, आप अपने दिमाग में एक एग्जाम्पल जरूर सेट कर लेना। जैसे अगर कोई बोलता है सॉलिड, इट इज अ सॉलिड, डू थिंक अबाउट द आइस बिकॉज इट इज वेरी कॉमनली अवेलेबल। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लिक्विड, थिंक अबाउट द वॉटर, एंड इफ इट इज अ गैस, वी कैन थिंक अबाउट द वॉटर वेपर। सो इट मीन्स दैट बाय अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, वी कैन इजिली प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को यहां पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब आपको मालूम है इन द केस ऑफ द सॉलिड द मॉलिक्यूल्स, ये जो मैंने राउंड करके कुछ बनाया, दीज दे आर रिप्रेजेंटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड। इसका मतलब जरूर आइस में जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, जो बर्फ आप देखते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो कुछ इसी तरह के शेप में होंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज अ सॉलिड। अगर कोई पूछता है व्हाई द आइस इज सॉलिड, तो आप नॉर्मली ये बोल सकते हो बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द आइस, दे आर क्लोजली पैक्ड। वाटर के बारे में बात करते हैं, जिसको मैं पी सकता हूं, इट मीन्स इट इज अ लिक्विड वाटर। तो हम ये बोल सकते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, थोड़ा दूर दूर है इसके कंपैरिजन में, मगर गैस के कंपैरिजन में थोड़ा ये नजदीक है। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन द वाटर इज मोर इन द केस ऑफ द सॉलिड बट लेस देन दैट ऑफ द गैस। अब जब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, तो आपको नॉर्मली प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट आराम से समझ में आ जाएगा। ये चीजें अपने दिमाग में हमेशा रखना, आइस वाटर वाटर वेपर। ओके, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा। अच्छा, किसके टर्म्स में हमें आंसर देना है, आंसर देना है मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में। अब आप जरा सोचो कि अगर मैं गैस पर, If I will exert the pressure on the gas, कोई गैस है उसमें प्रेशर दिया जाए। अच्छा, प्रेशर का नॉर्मल सा मतलब हम क्या समझेंगे, नॉर्मल सा मतलब यह समझेंगे कि अगर कोई भी बैलून है उसको आप दोनों तरफ से दबा रहे हैं, बैलून के अंदर में गैस भरा हुआ है, फिल्ड बैलून में, और आपने उसको प्रेशराइज किया, आपने दबाव डाला, तो वो थोड़ा सामने सामने, यानी उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स थोड़ा क्लोज आने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा नहीं होगा कि अगर गैस के ये मॉलिक्यूल्स जो बहुत दूर दूर थे अंदर में, जैसे ही मैंने इसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई किया, इट कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड। मतलब द मॉलिक्यूल टेंड्स टू कम क्लोजर विद ईच अदर इफ वी विल अप्लाई द प्रेशर। मतलब मैं लिख सकता हूं कि एज द, एक पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो लिखेंगे बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, द मॉलिक्यूल्स
द मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू कम क्लोजर विथ ईच अदर. मॉलिक्यूल्स कम क्लोज सामने सामने. अगर लिक्विड पे प्रेशर डाला जाए तो वो सॉलिड बन जाएगा. क्वेश्चन ये है कि अगर सॉलिड पे प्रेशर डाला जाए तो क्या होगा, इसका जवाब आप कमेंट करके बताइए. और उसके बाद मैं चेक करता हूं, गैस पे मैंने प्रेशर डाला ये लिक्विड में चेंज हो गया, उल्टा इधर प्रेशर डालने पे लिक्विड में प्रेशर डाला ये सॉलिड में चेंज हो गया. मगर अगर सॉलिड पे प्रेशर डाला जाए, इफ द प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉलिड व्हाट विल हैपन, यू हैव टू गिव मी द आंसर्स. ओके मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये इंक्रीजिंग प्रेशर, उसी तरह बाय डिक्रीजिंग प्रेशर अगर प्रेशर को डिक्रीज किया जाए तो क्या होगा, प्रेशर को कम किया जाए, कम करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर रहना चाहेगा. द मॉलिक्यूल दे टेंड टू मेक ए पार्ट, दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. यानी अगर इस पर मैंने प्रेशर जो डाला था उस पर थोड़ा कम कर दिया तो दूर हो गए. इट मीन्स दैट द मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. ओके अब दूसरा चीज करते हैं. अब मैं आपको यह बोलता हूं कि अगर मान लो सेम यही चीज, अब टेम्परेचर के ऊपर थोड़ा बात करते हैं, सेम उसी प्रोसेस के लिए इस मैजिकल बॉक्स के लिए आप लोगों को यह सब सोच के करना है. जब भी आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है, हमेशा ये बॉक्स को ध्यान में रखो. खुद सोचो, अगर मैं ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, इसको मैं प्रेशराइज करूंगा, सामने आएंगे, मतलब इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड. तो क्वेश्चन मे अराइज कि इफ आई वांट टू चेंज द गैस इनटू लिक्विड व्हाट वी हैव टू डू. तो पहला चीज तो ये होना चाहिए बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पर वो सामने आ जाए ताकि वो लिक्विड्स में चेंज हो जाए. ओके अब नेक्स्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा. तो सेकेंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर को सेम इसी केसेस में हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, देन व्हाट विल हैपन. सो फर्स्ट वन दिया है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब हीट बढ़ रहा है. इसका मतलब क्या होगा, अब तुम खुद ही सोचो, सॉलिड को मतलब आइस में अगर आप हीट दोगे तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. और साथ ही साथ इसका मतलब आप यहां आइस और वाटर को नहीं बोलकर किस सेंस में बोलेंगे, किस रेफरेंस में बोलेंगे. यू कैन इजिली सी दैट इन द इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. यानी जैसे ही हीट दिया जाए या टेम्परेचर दिया जाए, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर रहना पसंद करेंगे, मतलब वो अलग अलग होना पसंद करेंगे. ये कुछ उसी तरह होता है जैसे किसी पॉपकॉर्न्स को गर्म तवे पे हम लोग रखते हैं, देखते हैं ना जैसे ही गर्म होता है कैसे उछलने लगता है, बस उसी तरह का यहां भी. जैसे ही हीट दिया जाए वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर रहना पसंद करते हैं. तो क्या लिख सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर The molecules tends to move away from each other. इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए, when anybody asks you that how you can change the solid into liquid, आप solid को liquid में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, by increasing temperature. Temperature को बढ़ाएंगे तो molecules they will tend to remain away from each other. ओके उसी तरह जब उल्टा अगर हम बोलते हैं, सेम अगर कोई अलग बात हो जाए, इंक्रीज के बदले अगर कोई बोलते हैं डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इफ आई विल डिक्रीज द टेम्परेचर व्हाट विल हैपन. तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए, इफ आई विल डिक्रीज द टेम्परेचर देन व्हाट विल हैपन, द गैसेस, जैसे मान लो गैसेस में देखो, गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, अब इसमें टेम्परेचर को हम कम करते हैं, कम करेंगे तो सामने सामने आने की कोशिश करेगा. अगर लिक्विड में टेम्परेचर कम करते हैं तो वो सामने सामने आने की कोशिश करेंगे. इसका मतलब टेम्परेचर का मतलब थोड़ा कूलिंग इफेक्ट आ जाता है. सो वी कैन से द मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू मूव क्लोजर टू ईच अदर. तो मुझे उम्मीद है कि ये दो चीजें आपको सिर्फ इसी डायग्राम को देखकर समझ में आ गई होंगी. बहुत आसानी से आप इनको समझ सकते हैं. आपको सिंपली इन द टर्म्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इसी को एक्सप्रेस करना है. इट मींस इफ द प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल सामने सामने, आपने दोनों तरफ से दबाव डाला तो मॉलिक्यूल सामने सामने आएंगे.
जाहिर बात है दो आदमी एक आदमी को धकेल रहे हैं, एक उस तरफ से और एक अपोजिट तरफ से, तो क्या होगा, वो सामने सिकुड़ना चाहेगा। इसी तरह यहां भी अगर मान लो हम ये बोलते हैं कि गैसेस के केसेस में अगर प्रेशर को डिक्रीज किया जाए, प्रेशर कम किया जाए तो फैलेगा, टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इट विल मूव ए पार्ट, कौन, मॉलिक्यूल्स। अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर। आपको जब भी स्टेट करना हो दैट हाउ यू विल चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करें, लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट करें और वाइस वर्सा। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान देना है, ऑलवेज यूज द टर्म्स ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर, इसी के कंबाइंड इफेक्ट से ये काम होता है। तो एक क्वेश्चन यहां पर क्रिएट होता है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई गैसेस। देखिए एकदम बहुत सिंपल आंसर है, आपके एनसीईआरटी में भी ये दिया होगा। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, यहां बोला है सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई गैसेस, मतलब गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो कौन सा ऐसा मेथड है जिससे गैस लिक्विड में चेंज हो जाए। तो चलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, पहले गैस में देख लो, गैस में क्या होता है मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं और लिक्विड में थोड़े मॉलिक्यूल सामने सामने आने की कोशिश करते हैं, इट मीन्स दे विल टेंड, दे हैव द टेंडेंसी टू कम क्लोजर विद ईच अदर, यानी ये मेरा गैस ये मेरा लिक्विड। अब आप बताओ ऐसा क्या हुआ होगा बाय विच द गैसेस इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, कमेंट करके बताइए क्या हुआ होगा ऐसा, जल्दी से 5 सेकंड के अंदर वीडियो पॉज करिए, कमेंट करिए, उसके बाद वीडियो को आगे देखिए ताकि आपको पता चले कि इसका आंसर क्या है, खुद सोचना भी है। इफ यू विल नॉट थिंक देन इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू गिव द आंसर, थोड़ा सोच कर बोलिए। अभी आपने जो पढ़ा उसी के बेसिस पे गैस को लिक्विड में चेंज करना है, आई वॉन्ट टू चेंज द गैस इंटू द लिक्विड। अब खुद सोचो गैस के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर हैं और लिक्विड में थोड़े सामने, मतलब मुझे दूर वाले मॉलिक्यूल को सामने लाना है तो क्या करूंगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा, मतलब पहला चीज होगा बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। अच्छा मैंने कहा था कंबाइंड इफेक्ट में लिखना है, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, वेरी गुड, मतलब हम लिख सकते हैं बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड यू विल गेट द होल आंसर। मतलब अगर मुझे गैस को लिक्विड में, इफ आई हैव टू लिक्विफाई द गैसेस आई हैव टू इंक्रीज द प्रेशर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी बहुत आसानी से। अब आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर को लेकर कोई भी क्वेश्चन आएंगे यू कैन इजिली सॉल्व इट बाय दिस मेथड, यूज दिस 3 मैजिकल बॉक्सेस टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन रिगार्डिंग द चेंज और द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर। स्टेट्स मतलब अवस्था, वेदर इट इज अ सॉलिड, लिक्विड और अ गैस। ओके, अब जो ये काम हो रहा है, इतना सारा जो काम हो रहा है, ये सब काम हम लोग किसी प्रोसेस के नाम से जानते हैं, या ऐसा क्या होता है। अब आप ये समझिए टेम्परेचर के बारे में जब मैंने बात किया होगा तो क्या किया होगा, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब टेम्परेचर बढ़ाना मतलब जरूर मुझे हीट करना है, गर्मी करनी है, गर्म देना है। अगर लिक्विड को भी गैस में चेंज करना हो मुझे हीट देना हो, मगर गैस को लिक्विड में चेंज करना हो ठंडा करना है, इसमें भी ठंडा करना है। देखिए ना, वाटर को ठंडा करते हैं तो आइस बनता है, वेपर को ठंडा करते हैं तो वाटर, और सो ऑन। ये कैसे होगा, ये कहां देखते हैं आप, जब आपके घरों में आपकी मम्मी जब खाना बनाती है तो आपने देखा होगा कि जिस बर्तन पे वो पानी गर्म करती है उसके ऊपर अगर एक लिड लगा दिया जाए या ढक्कन लगा दिया जाए तो जब आप उसको निकालते हैं तो उसके नीचे में ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं। दिस इज एग्जैक्ट आंसर, पानी का वेपर बन के ऊपर उठा और हवा के ठंडक के कारण वो उसमें वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये एग्जांपल्स आप ऐसे बता सकते हैं। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं कि ये जो सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड गैस में, इट इज बिकॉज ऑफ द गिविंग हीट और वाइस वर्सा, मतलब उसको हीट निकाला गया या ठंडा किया गया तो चेंज हो गया। What is the name of that process? इस process का नाम क्या है? So should I rub all these things? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जल्दी से इसको लिख लो, फटाफट आप लोग नोट कर लो ताकि आप लोगों के लिए दिक्कत ना हो। चलिए मैं मिटा देता हूं। अपने सारे नोट्स अच्छे से बनाते रहिए क्योंकि आपके द्वारा बनाए गए नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपने वो नोट्स समझकर बनाए हैं, दूसरे के नोट्स को देखकर बिल्कुल नहीं। वीडियोस को बिल्कुल स्किप मत करिए, अदरवाइज एक भी पॉइंट छोड़ जाने पर आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी।
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने कहा उसके प्रोसेस का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोसेस। तो आप खुद समझो, मैं एक काम करता हूं, मैं यहां नोट करता हूं, मैं ये बोल रहा हूं दैट इट इज अ सॉलिड, मैंने ये बोला दैट इट इज अ लिक्विड, और यहां पर मैंने लिख दिया इट इज अ गैस। जब भी सॉलिड लिक्विड गैस बोलूं आपको एग्जांपल में हमेशा आना चाहिए इट इज अ आइस वाटर एंड वाटर वेपर, और मॉलिक्यूल्स कैसा है, क्लोजली पैक्ड, थोड़ा दूर है एंड इट इज द फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब ये प्रोसेस का नाम क्या है, नेम ऑफ द प्रोसेस, इट इज द नेम ऑफ प्रोसेस। हमेशा ये डायग्राम आता है आपके बुक्स में बनाने के लिए, यानी ये सीखने के बाद ही आप लेटेंट हीट के बारे में थोड़ी जान पाएंगे। अब देखो सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो आप जानते हो हीट करते हैं, करते तो हीट है, इट मींस वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बट व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड। सॉलिड से लिक्विड में गया मतलब आइस से वाटर, इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं उसको, मेल्टिंग। इजी, लिक्विड से गैस में आना है, खुद तरह सोचो लिक्विड जब बोले तो क्या माइंड में आना चाहिए, पानी, और आपको उसमें गैस में यानी वाटर वेपर में यानी आपको गर्म करना होगा एलपीजी गैस पे, चूल्हे पे, कहीं पे गर्म करना होगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये तरीका जिससे हम लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड, इट इज कॉल्ड वैपोराइजेशन, वैपोराइजेशन। इसी ओके अब उसके बाद गैस को सॉलिड, या फिर सिंपली देखो सॉलिड टू गैस में अगर हम आते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। हम लोग बात करेंगे पहले प्रोसेस का नाम बता रखो, मतलब जितना भी मैं ये ऊपर लिख रहा हूं दीज आर द नेम ऑफ प्रोसेस। और देखो सिर्फ ये डायग्राम से ही आप आसानी से इसको डिफाइन भी सीख सकते हो, तो बताता हूं कैसे आप डिफाइन करते हो। अब देखो अब जरा उल्टा भी चलते हैं, अगर मान लो कि मैं गैस से लिक्विड में जाना चाहता हूं, तो इसी को तो कहते हैं कंडेंसेशन। देखते हैं ना, वाटर वेपर ऊपर जाता है, वाटर साइकिल के द्वारा वो क्लाउड बनता है, यानी वहां पर कंडेंसेशन होता है। ओके, लिक्विड से सॉलिड में आना है, लिक्विड से सॉलिड में, इसी को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, मतलब सॉलिड में वो चेंज हो गया। और गैस चाहे सॉलिड में जाए या फिर डायरेक्टली वाइस वर्सा, दोनों ही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। चलिए अब मुझे डिफाइन करना है, हाउ कैन आई डिफाइन, अगर आपसे कोई पूछता है दैट यू हैव टू डिफाइन मेल्टिंग, आपको मेल्टिंग डिफाइन करना है, कोई जरूरी नहीं है कहीं भी आंसर्स चेक करने के लिए, सिर्फ ये डायग्राम याद करिए और बहुत आसानी से आप इसके डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हो। ये तो मालूम है कि मेल्टिंग इज द प्रोसेस, तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे, द प्रोसेस इन विच। अब इस प्रोसेस में हुआ क्या, अब देखो ये वाला एरो मार्क है, इसके ऊपर मैंने लिखा है मेल्टिंग, मतलब सॉलिड किसमें जा रहा है, लिक्विड में, मतलब सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, द प्रोसेस इन विच द सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब एक टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट मतलब कोई जगह नहीं, पॉइंट मतलब टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्ट होने का टेम्परेचर, इज कॉल्ड मेल्टिंग। उसी तरह अगर मैं बोलता हूं वेपोराइजेशन क्या है, देखिए कोई भी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये डायग्राम दिमाग में रखो, आपके सारे डेफिनेशंस यू कैन इजिली क्रिएट योर ओन डेफिनेशन एंड बिलीव मी दैट इज द बेस्ट वन। अगर आप समझ के लिख रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट वन है, यह हमेशा आपके काम करेगा। वेपोरेशन में क्या होगा बताओ, देखो वेपोरेशन कहां से कहां तक है, लिक्विड से गैस में, वेपोरेशन खुद क्या है, इट इज अ प्रोसेस, तो हम वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस इन विच द लिक्विड्स चेंजेस इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि लिक्विड जब होता है तो ये बॉइल करता है, तो इस जगह पे आपने नोट किया बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर। हमेशा दिमाग रखिए सॉलिड जब लिक्विड में हुआ तो मेल्टिंग हुआ, तो मेल्टिंग पॉइंट पे होगा, लिक्विड जब यहां पर होगा तो इट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, गैस भी जब चेंज होता है सॉलिड में तो ये भी आपका सब्लिमेशन पॉइंट, यानी सब्लिमेशन पॉइंट अलग अलग क्या हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आप ये सारे डेफिनेशन को खुद से क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन इजिली क्रिएट द डेफिनेशन
बाय नोइंग ऑल दीज फैक्ट्स। अब जब कि आप इतना समझ चुके हैं तब आप लेटेंट हीट को समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जल्दी से इसको नोट करिए ताकि हम लेटेंट हीट को आगे बढ़ सके। मिटा दें इसको, सबको समझ में आ गया, ये डायग्राम बहुत जरूरी है, इसको याद करेंगे। सब्लिमेशन को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस इन विच द सॉलिड चेंजेस इनटू गैस और वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है, गैस को सॉलिड में भी, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मिटा दें, हो जाएगा सर। ओके, लेटेंट हीट में आप क्लास 9 में यू हैव टू स्टडी ओनली द टू टाइप्स ऑफ द लेटेंट हीट, लेटेंट हीट मेल्टिंग के केसेस में और लेटेंट हीट वेपोराइजेशन के केसेस में। मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन। मेल्टिंग को ही एक और नाम से जानते हैं, दैट इज अ फ्यूजन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इन दोनों नाम के ऊपर हम लोगों को ये काम करना है। चलिए मिटा दें, अब आते हैं हम लोग लेटेंट हीट। तो चूंकि हमें दो ही बात ध्यान देनी है, फ्यूजन और वेपोराइजेशन, तो मैं इन दोनों को ही सिर्फ नोट करता हूं। इसको मिटाते हैं। चेक द लास्ट वन इज द लेटेंट हीट। लेटेंट का नॉर्मली मतलब होता है हिडन, हिडन छिपा हुआ, जो छिपा हुआ है, जो दिख नहीं रहा मगर एग्जैक्टली में वो है। चलिए मैं कुछ केस कंसिडर करता हूं। सपोज दैट ये मेरा वाटर है, इसका टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, मैंने इसको हीट दिया और इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये भी वाटर है। यानी आप मुझे बता सकते हैं ये दोनों वाटर क्या लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड में या गैसेस में? चेक करें, कमेंट करके बताइए। वाटर मैंने 5 डिग्री सेल्सियस पे बोला और एक वाटर मैंने 15 डिग्री सेल्सियस पे बोला, तो आप देखते हो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपका 0 डिग्री सेल्सियस, या इसी को हम कहते हैं 273 केल्विन। जिसको जिन बच्चों को डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में डिफरेंसेस नहीं मालूम है या उनको कन्वर्ट करना नहीं आता है, प्लीज मेरा पहले वाला वीडियो जरूर देखें, स्केल्स ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर बाय आवर साइंस पढ़े, ऐसा टाइप करिए यूट्यूब में, आपको वो वीडियोस मिल जाएगा, हाउ विल यू कन्वर्ट द डिग्री सेल्सियस इनटू द केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस को ही 273 केल्विन लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं बोलता हूं पानी को बर्फ बनाना है तो कितने टेम्परेचर पे वो बर्फ बन जाएगा, वी कैन से इट इज अ 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बोलता हूं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बोलता हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉइल्ड होगा, इट इज 100 डिग्री सेल्सियस, इट इज 100, यानी इसका मतलब हो गया 373 केल्विन। ये ध्यान देना है, आइस मेल्ट भी करता है 0 डिग्री पे, ये याद रखिएगा। ऐसा मैं नहीं सोचना है कि आइस बस वो अलग टेम्परेचर चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का हो ये वाटर के लिए, या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, इट इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 0 डिग्री से 100 डिग्री, मतलब 0 डिग्री पे अगर कोई वाटर रहेगा तभी वो आइस बन सकता है, और 100 डिग्री पे अगर कोई वाटर रहेगा तभी वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, मगर इसके बीच में जितना भी टर्म्स आ जाए, 5, 10, 15, 25, 35, 65, कुछ भी आ जाए, हमेशा वो किसमें रहेगा, वाटर में, मतलब लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर, ये भी आपका लिक्विड वाटर। यानी पानी का सिर्फ टेम्परेचर बढ़ गया, यहां पर सिर्फ पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, यानी आपने जो इस 5 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था उसमें हीट दिया तो सिर्फ पानी का टेम्परेचर बढ़ गया। लेकिन दूसरा केस गौर करते हैं, मान लीजिए मैंने यहां पर आइस रखा, आइस कब बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये कन्वर्ट, इसमें मैंने हीट दिया, अगर मैं आइस में हीट दूं, आइस है, बर्फ है, और उसको मैं गर्मी दे रहा हूं, उसको मैं कहीं गर्म कर रहा हूं, तो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। तो अब मेरा ये कहना है कि 0 डिग्री सेल्सियस को मैंने हीट दिया जहां पर वो आइस था, तो वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, कमेंट करके बताइए। अब यहां चेक करो, यहां बहुत जरूरी है समझना,
कमेंट करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। वीडियो को पॉज करिए और सोच के लिखिए। क्वेश्चन ये है कि आइस मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब 0 डिग्री मतलब कितना, 273 केल्विन, और वाटर मैंने इसमें हीट दिया, गर्मी दी, वो कन्वर्ट हो गया वाटर, इट कन्वर्ट्स इनटू द वाटर। अब जो ये वाटर है इसका कितना हीट आया, मान लो मैंने बोला कि मैंने इसमें 5 डिग्री सेल्सियस दे दिया, 5 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तो क्या कह रहे हैं, या इसका 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? नहीं। अब यहां चेक करो, आइस खुद एक सॉलिड है और वाटर जो कन्वर्ट हो गया हीट लेकर आया, दैट इज अ लिक्विड, दैट इज अ लिक्विड, मतलब ये जो आपका हीट दिया गया ये भी आपका वाटर में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस के फॉर्म में भी रहता है और वाटर के फॉर्म में भी रहता है। यानी क्वेश्चन आ सकता है आपको, द फिजिकल, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो आप बोल सकते हैं इट इज इन द सॉलिड एज वेल एज इन द लिक्विड। तो आखिर हीट गया कहां, तो जब आपको आपने ये बोला कि ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस, तो हीट जो मैंने सप्लाई किया था, व्हाट एवर द हीट आई हैव सप्लाइड टू द आइस, ये गया कहां, वेयर इट गोज, तो आप क्या बोल सकते हो, यहां पर देखो द हीट सो सप्लाइड, ये जो हीट दिया गया इस आइस में, इट इज यूज्ड अप फॉर कन्वर्टिंग द स्टेट सॉलिड से लिक्विड में, मतलब स्टेट चेंज करने में खर्च हो गया, स्टेट चेंज करने में खर्च हो गया, और इसके चलते हमें बढ़ा हुआ टेम्परेचर नहीं दिखाई दिया। लेकिन इस केसेस में देखो 5 डिग्री से 15 डिग्री, यहां स्टेट वही था, ये भी लिक्विड था, ये भी लिक्विड था, यानी यहां पर मुझे टेम्परेचर दिखा, लेकिन इस जगह पर सॉलिड था और अब लिक्विड है, इसका मतलब स्टेट चेंज हो गया, और स्टेट चेंज होने पर जो हीट यूज होता है उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं, इसी को हम ले, मतलब ये छिपा हुआ हीट है, इसने टेम्परेचर को तो नहीं बढ़ाया मगर स्टेट को चेंज कर दिया, मगर स्टेट को चेंज कर दिया। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कमेंट करके बताइए। ओके, आपके कमेंट्स बहुत आ रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग समझ रहे हैं। अब एक खास तौर से अगर मैं ये बोलता हूं कि आप लेटेंट हीट का डेफिनेशन क्या है, चल तो लेटेंट हीट समझिए, लेटेंट हीट, तो आपने हीट को क्या किया था, द हीट सो रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर, हो गया, द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अभी मैं सिर्फ लेटेंट हीट बोल रहा हूं, अभी मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि वेदर व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन, नथिंग एल्स, सिंपली लेटेंट हीट, मतलब लेटेंट हीट कभी भी आपके पास आए आप हमेशा अपने दिमाग में, और इसका यूज कहां होता है, फॉर चेंजिंग द स्टेट, स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और सो ऑन, मतलब लेटेंट हीट हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ इट इज ऑलवेज यूज फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ द मैटर रादर देन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा, जहां पर इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लेटेंट हीट, बट इफ द टेम्परेचर इज नॉट इंक्रीजिंग एंड द हीट्स आर इन्वॉल्व, हीट्स आर यूज्ड फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ द मैटर, दे कैन बी टर्म्ड एज अ लेटेंट हीट। अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जल्दी से इसको नोट करिए, मुझे लग रहा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी और आप आसानी से इनको सारा चीज नोट कर सकते हैं, मिटा देते हैं इसको और अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपके बुक्स में एनसीईआरटीज में सिर्फ दो ही तरह के हीट दिए हुए हैं, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड द लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पे समझते हैं वेपोरेशन में जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं सॉलिड, यहां पर लिख दे रहा हूं गैस। चलिए तो टॉपिक है दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो कोई लेटेंट हीट बोलेगा तो स्टेट चेंज होना चाहिए, और फ्यूजन बोल दिया तो तुरंत मालूम होना चाहिए कि फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लग रहा है, जो हीट लग रहा है
उसी को लेटेंट हीट बोलेंगे क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है। लेकिन जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं तो यहां पर एक पॉइंट आता है, 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए द हीट सो रिक्वायर्ड, द हीट सो सप्लाइड, दे आर नोन एज अ लेटेंट हीट। उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो मैं नोट करता हूं, मैं डेफिनेशन लिखता हूं, मैं क्या लिखूं, द अमाउंट ऑफ हीट। याद रखिए हीट का अमाउंट कितना है, लेटेंट हीट मतलब अमाउंट, लेटेंट कहने का मतलब हिडन, छिपा हुआ, कितना छिपा हुआ है, अमाउंट ऑफ हीट कितना छिपा हुआ है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 kg ऑफ फ्यूजन बोला है, मतलब सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वीडियोस के साथ साथ याद होना चाहिए, आप अपने स्किल्स को एनहांस कीजिए, प्लीज एनहांस योर स्किल्स, ताकि आप वीडियोस को समझ समझ के पढ़ें और उनको याद करने की कोशिश करें। मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आप मेहनत करते रहिए और तब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बस ये डेफिनेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लेटेंट हीट ऑफ, एक और टॉपिक आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन, क्रिएट करिए डेफिनेशन क्रिएट करिए, खुद से क्रिएट करिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं 10 सेकंड सिर्फ। लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन आ गया, लेटेंट हीट का मतलब तो सिंपली वही है, 1 kg लगाना है। वेपोरेशन में होता क्या है, लिक्विड चेंज होता है गैस में, तो कितना लिक्विड चेंज होगा, 1 kg। तो 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज होने के लिए व्हाट एवर द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड, इट इज नोन एज अ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। मैं क्रिएट करता हूं डेफिनेशन, देखिए अगर मुझे वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन को डिफाइन करना, इफ आई हैव टू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन, हाउ कैन आई डिफाइन, आई कैन डिफाइन लाइक दैट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो आई कैन से द अमाउंट ऑफ हीट, लेटेंट हीट जब भी आया अमाउंट ऑफ हीट लिखना है, और किसमें कन्वर्ट होगा, वो हमेशा स्टेट्स को चेंज करने में, मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड टू गैस, आप इसके हिसाब से पकड़ लेंगे कि वो सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है या लिक्विड टू गैस जा रहा है। वेपोरेशन बोल रहे हैं मतलब लिक्विड टू गैस जा रहा है, फ्यूजन बोल रहे हैं मतलब सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है। द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस At its boiling point is called latent heat of vaporization. Latent heat of the vaporization. जल्दी से नोट करिए इसके बाद हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन आता है कि सच में क्वेश्चन कैसा है, दो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया है, व्हाई द आइस फील्स मोर कोल्डर देन वाटर एट 0°C, और 0°C को हम क्या बोलते हैं, 273 केल्विन। क्वेश्चन ये है कि आइस, जैसे मैंने बोला था फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर में, 0°C पे वाटर कौन से स्टेट में रहेगा, 0°C पे फिजिकल स्टेट, ये याद रखिए थोड़ा सा, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, टेम्परेचर पे ध्यान देना है। अगर कोई बोले 0°C तो 0°C पे आइस में भी रहेगा और वाटर में भी रहेगा, ऐसा तो नहीं होता बर्फ हम निकाले और तुरंत पानी हो गया, थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 0°C पे वाटर भी रह सकता है क्योंकि हीट कहां गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सराउंडिंग से हीट लिया इसने, गर्म नहीं भी करेंगे तो हमारे आसपास का जो एटमोस्फेयर है उससे हीट लेकर बर्फ जो है वो धीरे धीरे पिघलना लगता है। अगर मैं बोलता हूं चलो बताओ 25°C पे आइस, मतलब वाटर का स्टेट क्या है, तो बताओ 25, 100 पे बॉइल करेगा तो 25 मतलब लिक्विड,
अगर कोई बोले 100 डिग्री सेल्सियस तो क्या लिखेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस पे मम्मी ने पानी चढ़ाया, उसको बॉइल करना शुरू किया, तो ऐसा होता है क्या कि जैसे ही 100 डिग्री आता है सारा का सारा पानी पेपर में? नहीं, यानी कुछ लिक्विड्स भी रहते हैं और कुछ गैस भी। मतलब यहां पर लिक्विड भी है एंड गैस भी है। मतलब गैस मतलब वाटर वेपर और लिक्विड फॉर्म में रहेगा। इसमें आइस मतलब सॉलिड हो गए, आइस सॉलिड और वाटर यानी वाटर एंड वाटर वेपर के फॉर्म में 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस नहीं देखकर कभी कभी एग्जाम में 373 केल्विन, 373 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो मालूम नहीं है आप लोगों। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे। अब यहां देखो, अब बोला आइस फील्स मोर कोल्डर, आइस ज्यादा ठंडा लगता है उस पानी से जो 0 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसा क्यों? आइस भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो आइस ज्यादा ठंडा, वाटर कम ठंडा, क्यों? क्योंकि आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा है। आइस हीट लेगा सराउंडिंग से तब वो पिघलेगा। मतलब इसका मतलब द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज मोर देन दैट ऑफ द वाटर। मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज मोर देन द वाटर। और वो हीट कहां से लिया? सराउंडिंग से, विच इज टेकन अप बाय सराउंड। कोई गर्म नहीं किया, सिर्फ सराउंडिंग से मतलब उसके आसपास की जगह से उसने वो हीट को एब्सॉर्ब किया। इसी पर एक और क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप खुद ही सोचो, अगर आप आपकी मम्मी ने घर में पानी गर्म किया और द वेपर इज कमिंग आउट, सो विच विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न, द बॉइलिंग वाटर और द स्टीम? खौलता हुआ पानी आपको ज्यादा जलन देगा या जो भाप निकल रहा है, स्टीम जो निकल रहा है वो ज्यादा आपको जलन देगा, फील करेगा? कमेंट करके बताइए, क्योंकि सेम आंसर इसका यहां पर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेटेंट हीट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको नॉर्मली ध्यान से पढ़िए। अगर आप वीडियोस नहीं समझ पा रहे हैं तो बार बार देखिए। मुझे पक्का उम्मीद है कि पूरे यूट्यूब में इससे अच्छा वीडियो वैसे लोगों के लिए जो नहीं समझ पाते हैं, वैसे बच्चे जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, इससे इजी लेक्चर कहीं नहीं मिलेगा। सो गाइस, कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।